आज दिल करता है इतने नारे लाऊं इमरान खान के लिए कि यहाँ से मेरी लाश चली जाए। इन बच्चों के जज्बों को मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान की ये नस्ल मुर्शद इमरान खान ने छोटे छोटे बच्चे छोड़े थे, आज ये नौजवान हो गए हैं। अल्लाह के हुक्म से मुर्शद मेरा लाजमी कल के दिन परसों के दिन के बाद से निकलेगा, एक अज्म के साथ निकलेगा, एक बलवेले के साथ निकलेगा, इन बच्चों की दुआओं से निकलेगा, बहनों की दुआ से निकलेगा, माओ की दुआ से निकलेगा, मुल्क के ईवान में इमरान तेरी सोच से, इमरान तेरी सोच से, बच्चों की दुआ से, चादरे बतूल से, खून हुसैन से, इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आज पूरे मुल्क के लोग संजानी की तरफ रवान दवा है। ये जज्बे रुकेंगे नहीं, ये वलवले रुकेंगे नहीं। मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान को उसकी मंजिल दिखलाने वाला इमरान खान लाजमी रहा होगा। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। मैं एक शेर पढ़ूंगा, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुने जब बारी मुजरिम है, हाँ गोई भी है जुर्म अगर तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। सुने दोरे तागुती, सुने दोरे तागुती, और तागुतों से बेजार हैं हम, और जब नगरी अंधी नगरी हो तो राजा गद्दार हैं हम, ए राजा गद्दार हैं हम। इस जुर्म में जो दी जाए सजा, इस जुर्म में जो दी जाए सजा, सहने के लिए तैयार हैं हम, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं। सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हाँ गोई भी है जुर्म अगर तो फिर हम भारी। फिर आखिरी एक और छोटी सी चीज है, वो पढ़ के खत्म करते हैं। ये जज्बे परसों तक रहेंगे। फारूक साहब आप भी आए हुए हैं, सुनिए। इमरान गालिब आएगा, इमरान गालिब आएगा, इमरान गालिब आएगा। इस मुल्क में तुम देखना, इस मुल्क में तुम देखना, इमरान गालिब आएगा। और पाक से पाकीज़ा तर अपना वतन हो जाएगा, फिर कुफ्र का इल्हाद का सिक्का न चलने पाएगा। अल्लाह के शेरों से जो उलझे गमों की खाएगा, इमरान गालिब आएगा, इंसाफ गालिब आएगा। मैं देखता हूँ, सुने जरा, मैं देखता हूँ, ओए हक को बातल रूबरू होने को है, और करबला की वादियां, और फिर सुर्ख रू होने को है, फिर आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, शायद किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। कूदेगा जो इस आग में वो कामरा हो जाएगा, इमरान गालिब आएगा, इंसाफ गालिब आएगा। एक दिमाग फटने लगा था बार बार की ये डेटें दे के, कल जलसा होगा, परसों जलसा होगा। हम तो हर बार मुर्शद के लिए, आप भी हाई कोर्ट में हाजिरी देते थे, हम भी मुर्शद की खुशबू को सूंघते थे, रोज जाते थे, अडियाला जाते थे, ईद वहां गुजारते थे। जब ये पता लगा कि संगजानी में ये हो रहा है, हमने कहा कहीं भी हो पाकिस्तान के जो काफिले इधर मूव कर रहे हैं, यकीन करें आज दिल करता है इतने नारे लाऊं इमरान खान के लिए कि यहां से मेरी लाश चली जाए। इन बच्चों के जज्बों को मैं देख रहा हूं, इन वलवलों को देख रहा हूं। 60 प्लस का हूं मैं 30 साल का हो गया हूं, यकीन करें इन बच्चों की उम्र का हो गया हूं। मुर्शद तेरे जान सार,
बेशुमार बेशुमार। थैंक यू। इस वक्त आंसू है, ये खुशी के आंसू है या गम के आंसू है? ये मेरे गम के आंसू है, गम के इसलिए कि उस मुर्शिद ने इस कौम को बड़ा कुछ दिया है लेकिन हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। वो जाते हुए क्या के गया था, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम है। हम आज तक एक साल तक उसको गिरफ्तार रखे हुए हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। ये आंसू जो है ना, ये दुख के हैं, ये आंसू दुख के हैं, यकीन करें दुख के हैं। और पूरा मुल्क इस टाइम रो रहा है। कल जब आएंगे ना, अभी कनाडा से औरतें आई हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, स्विट्जरलैंड, तमाम मूव कर रहे हैं इस्लामाबाद संगजानी की तरफ। हम पिशावर से दो दिन पहले आए, हम इसलिए आए कि हम जलसे में शिरकत करें। आप जितना चाहे रास्ते बंद करें, आपसे हमें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पहले भी साबित किया, आपने जो कंटेनर रख के इसके अंदर जो रेत डाले, उस रेत को हमने पार किया। हम हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे और हर रास्ता हम पार करके हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, और इस अजीम निशान जलसे को हम कामयाब बनाएंगे जी। और खान साहब की रिहाई हमारी अवलीन दर्जी है, इंशाल्लाह हम खान साहब को रिहा करवा के ही दम लेंगे। दो दिन पहले आप यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, पिशावर से दो दिन पहले क्यों आ गए? इससे पहले हमने देखे, हमें खबरें आ रही थी कि रास्ते बंद हो रहे, इस्लामाबाद के साथ फैजाबाद पे बंद हो रहे, 26 नंबर पे टेक्सला के मकाम पे बंद कर रहे, तो हमने सोचा कि हम पहले जाए। और ये जो खान साहब का हम पे एहसान है, हम खान साहब पे एहसान नहीं कर रहे, जो हम जलसे में शिरकत कर रहे ये सिर्फ खान साहब के लिए कर रहे। खान साहब हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए जेल में बैठा है, हम पे एहसान कर रहे, हम कोई खान साहब पे एहसान नहीं कर रहे। इंशाल्लाह खान साहब के लिए हमारी खून भी हाजिर है, हमारी माल जान आबरू सब कुछ खान साहब। कंटेनर्स अगर खड़े कर दिए जाते हैं, आने नहीं दिया जाता, फिर क्या करेंगे? फिर इंशाल्लाह हम मुजाहमत करेंगे, हम और मुजम्मत का खेल नहीं खेलते, हम आगे मुजाहमत करेंगे और इंशाल्लाह कंटेनरों को हटा के इंशाल्लाह देंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाजोर से हमारा ताल्लुक है, बरा मुखमुला बंडा से आखिर कोने से, हमारा पाकिस्तान का आखिर कोने से, हमारा ताल्लुक है आखिर कोने से। हम कल आए, ये सब मैंने खबरें सुन रहा था कि रास्ते बंद कर देगा, कंटेनर लगा देगा, तो हम कल आए उधर। मेरे टेक्सला में अपना मैंने कमरा बुक किया हुआ है, तो मैंने बोला फिर मुश्किल होगा, तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो जेल में पड़ा हुआ है, हमारे मुस्तकबिल के लिए पड़ा हुआ है जेल में। ठीक है, आप कहाँ से आए? हमारा ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से, एक मिनट इसको जरा सामने। कहाँ से आए हो? मेरा ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से है और हम ये दो दिन पहले इसलिए आए क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है इन्होंने हर जगह पे कंटेनर खड़े किए होते हैं, किसी जगह पे खंदके को दिए होते हैं ताकि लोग ना आ सके, लेकिन ये तूफान है और तूफान को कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने 25 मई को भी इसी तरह किया था, हम डी चौक पहुंचे हुए थे। ये इनका अपनी नाकामी आपने दिखा रही है कि यार हम कंटेनर के जरिए से हम आपको रोक सकेंगे, लेकिन ये कभी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमने हर जगह भी ये रुकावटें हर जगह भी उबूर की है और हम इमरान खान साहब की आवाज पे लब्बे के, तो इंशाल्लाह इस जज्जे को कामयाब करेंगे। आप कहां से आए? हम दिया फरदीर से आए हुए। हाँ। क्या कहोगे? इंशाल्लाह जलसा कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह और लोग भी आ रहे, बहुत सारे ये जगह तो बहुत छूटी है, इंशाल्लाह दुख ना इतना हो।